फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमारे पास यह एक मिक्सर ग्राइंडर है जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए प्रैक्टिकली पहले सीरीज बल्ब के ज़रिए चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, जब इस मिक्सर ग्राइंडर की नोब को रोटेट किया जा रहा है उस कंडीशन में सीरीज बल्ब ने ग्लो करना चाहिए था, बट सीरीज बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसमें कोई या तो कंपोनेंट की प्रॉब्लम है या फिर केबल की प्रॉब्लम है। तो किस तरह से इस मिक्सर ग्राइंडर को चेक किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस मिक्सर ग्राइंडर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए देखिए, यहाँ पर आपको चार स्क्रू दिए जाते हैं। चारों स्क्रू को आपको पहले ओपन कर लेना है, फिर किस तरह से चेकिंग की जाएगी, किस तरह से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसे चारों स्क्रू को ओपन कर लेना है और इसके बैक पैनल को यहाँ से रिमूव कर लेना है। देखिए, बैक पैनल को अभी हमने रिमूव कर लिया है। यहाँ पर देखिए एक लॉक दिया जाता है, इस लॉक को आप हल्का सा प्रेशर के साथ देखिए यहाँ से रिमूव कर लीजिए। देखिए, ये इसका ओवरलोड रिले होता है और यहाँ पर एक सिलेक्टर भी आपको दिया जाता है। देखिए, ओवरलोड को यहाँ से आप मैन्युअली रिसेट कर लीजिए। सबसे पहले यदि आपका मिक्सर ग्राइंडर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ओवरलोड रिले को यहाँ से आप रिसेट कर लीजिए। यदि ओवरलोड हुआ होगा तो वहाँ पर आपका मिक्सर ग्राइंडर स्टार्ट हो जाएगा। सीरीज बल्ब के ज़रिए सबसे पहले हम कार्ड को चेक कर लेते हैं। केबल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक हमने केबल चेक करने के लिए सिलेक्टर पर लगाया है। देखिए, सिलेक्टर पर फेज आएगा और ओवरलोड पर न्यूट्रल आएगा। देखिए, न्यूट्रल की कार्ड भी सही है, लाइन की कार्ड भी सही है। यहाँ पर कार्बन ब्रश भी चेक कर लेते हैं। देखिए, कार्बन ब्रश यहाँ दिए जाते हैं, दोनों कार्बन ब्रश पर लगाया है। यदि कार्बन ब्रश की प्रॉब्लम रहेगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बट कार्बन ब्रश भी ओके है, बल्ब ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स कार्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन ब्रश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम ओवरलोड रिले को चेक कर लेते हैं। देखिए, सीरीज बल्ब के दोनों ही वायर को अभी हमने यहाँ पर ओवरलोड रिले पर लगाया है। यदि ओवरलोड रिले सही हो तो उस कंडीशन में बल्ब ने ग्लो करना था, बट बल्ब ग्लो नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए, ओवरलोड रिले के दोनों कनेक्टर को हमने निकाल लिया है और दोनों कनेक्टर को यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट किया। अभी हम इसे रन कर देखते हैं। देखिए, परफेक्टली हमारा मिक्सर ग्राइंडर स्टार्ट हो चुका है। पैरेलल में कनेक्शन में देख लेते हैं। देखिए, मिक्सर ग्राइंडर हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो ओवरलोड रिले है वह ओवरलोड रिले वर्क नहीं कर रहा है। नॉर्मली ओवरलोड रिले जब आप उसके बटन को प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में रिसेट हो जाता, बट ओवरलोड रिले यहाँ पर इसका ख़राब हो चुका है। तो ओवरलोड रिले को यहाँ पर हमें सबसे पहले निकाल लेना है। यह मार्केट में आपको नया मिल जाएगा, नया ओवरलोड रिले आप मार्केट से लाकर चेंज कर लीजिए। देखिए, नोब को अभी हमने निकाल लिया है। यहाँ पर इस ओवरलोड रिले को सीरीज बल्ब के ज़रिए चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक अच्छा मार्केट से न्यू ओवरलोड रिले लेकर आए हैं। देखिए, सीरीज बल्ब के ज़रिए देखिए सबसे पहले अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बल्ब ने ग्लो करना चाहिए तो बल्ब ग्लो कर रहा है। इस ओवरलोड रिले में देखिए, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ये ओवरलोड रिले एकदम सही है तो बल्ब ग्लो कर रहा है सीरीज बल्ब में। दैट मीन्स ये ओवरलोड रिले सही है और जो दूसरा है वो डिफेक्टिव है। तो उस डिफेक्टिव ओवरलोड रिले को हमें चेंज कर देना है। नॉर्मली जब आप इसके मैनुअली प्रेस करते हैं, यदि ओवरलोड हुआ होगा तो उस कंडीशन में वो रिसेट हो जाएगा और आपका मिक्सर ग्राइंडर स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर स्टार्ट नहीं है। यदि आपका भी मिक्सर ग्राइंडर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले केबल को आप चेक कीजिए, फिर यहाँ पर ओवरलोड रिले को चेक कीजिए और थर्ड में आप वहाँ पर इसके कार्बन ब्रश को चेक कीजिए। कार्बन ब्रश तो डिफेक्टिव नहीं है या कोई वायरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। आज के स्टूडियो में हमारे पास जो प्रॉब्लम हमें मिली है वो ओवरलोड रिले की प्रॉब्लम मिली है। तो ओवरलोड रिले को अभी हमने चेंज कर दिया है। देखिए, अभी हमने जो स्क्रू को ओपन किया था उस स्क्रू को यहाँ पर हमें लगा देना है। इस मिक्सर ग्राइंडर को अभी हम प्रैक्टिकली रन कर भी देखेंगे। नॉर्मल कंडीशन में ओवरलोड रिले रिसेट हो जाता है, बट ओवरलोड रिले रिसेट नहीं हुआ क्योंकि ख़राब हो चुका था। तो न्यू ओवरलोड रिले हमें यहाँ पर लगाना हुआ। दोस्तों, आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए, अभी हम मिक्सर ग्राइंडर को प्रैक्टिकली देखें। सीरीज बल्ब में देखा एकदम ओके है, पैरेलल कनेक्शन में रन कर भी देख लेते हैं। देखिए, परफेक्टली हमारा मिक्सर ग्राइंडर वर्क कर रहा है। देखिए, इस तरफ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि मिक्सर ग्राइंडर वर्क नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।